तो आज का जो प्रयोग है यह है कि समांतर परिपथ में प्रतिरोध के नियम को सत्यापित करना। समांतर जो परिपथ है जब प्रतिरोध लगे होंगे तो उसको जोड़ने के बाद हमारा जो मान आएगा वो प्रतिरोध के नियम को सत्यापित करेगा कि नहीं, हम इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास तीन प्रतिरोध है, चार मान लीजिए है, R1, R2, R3 और R4। इस R1 का कुछ न कुछ मान है, इसका भी कुछ न कुछ मान है, R3 का भी कुछ न कुछ मान है और R4 का कुछ न कुछ मान है। हम पढ़ते हैं कि समांतर परिपथ में जब इन प्रतिरोधों को जोड़ा जाएगा तो कुछ इस तरीके से लेकर जोड़ा जाएगा, एक दूसरे के समांतर रखकर इन सारे प्रतिरोधों के एक एक कॉमन पॉइंट को एक कर लेते हैं और करने के बाद यहां से जो वायर निकलता है ये कॉमन पॉइंट का और ये एक कॉमन पॉइंट का। मान लिए कि ये जो प्रतिरोध हमारा है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। यदि इन सारे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जब जोड़ दिया जाएगा तो यदि पॉइंट ये A है और ये B है और कोई आपसे ये बात पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB, आर ए से बी तक का प्रतिरोध बताइए, तब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं समांतर परिपथ का फॉर्मूला। समांतर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 RAB इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4। इतना करने के बाद जो मान आता है वो सही आता है कि गलत आता है, इसका हम लोग प्रयोग करके देखेंगे। चलते हैं लाइव की तरफ। तो हम समांतर क्रम में प्रतिरोध के नियम को सत्यापित करना सीख रहे हैं। तो हमारे पास ये चार प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3 और ये R4। मैं लिखता हूँ इसको R1, इसको R2, इसको R3 और इसको मैं लिख रहा हूँ R4। जब इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो जोड़ने का तरीका यही है ना, एक दूसरे के समांतर में रख कर और जोड़ दो। इस तरीके से हम जोड़ देंगे इन सारे प्रतिरोधों को। जोड़ने के बाद देखिए, मैं इन सारे प्रतिरोधों को जोड़ता हूँ, पहले इन सारे प्रतिरोधों का मान निकालेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। मल्टीमीटर की सहायता से पहले इन सारे प्रतिरोधों का मान निकालते हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से सेटिंग कर देते हैं। ये 1 kΩ का ओम का प्रतिरोध है, लेकिन इसका जो फिक्स मान है इसका इस मल्टीमीटर से दिखाई देगा। इस मल्टीमीटर से इसका जब हम मापते हैं तो इसका मान बताएगा, देखिएगा। इस प्रतिरोध का मान कितना है? 974 ओम। मैं इसका लिख देता हूं 974 ओम। फिर इसका क्या मान आता है देखते हैं। इसका मान आता है 972। मैं इसको भी लिख देता हूं 972 ओम। फिर मैं अब इसका मान नापता हूं, इसका मान कितना आता है 975। मैं इसको भी लिख देता हूं 975 ओम। और फिर इसके बाद इसको लिखता हूं, इसको भी दिखा रहे हो ना, 976 ओम। अब इन सारे प्रतिरोधों को 974, 972, 975, 976, इन सारे प्रतिरोधों को मैं यहाँ पर इस क्रम में जोड़ देता हूँ। देखिए, इन सारे प्रतिरोधों को उठाकर इस क्रम में जोड़ देता हूँ, समांतर क्रम में। ये सारे एक दूसरे के समांतर में हैं और उसके बाद इस पॉइंट को मैं कॉमन करता हूँ और जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से जोड़ देता हूँ। समांतर परिपथ का नियम कहता है
कि यहां से लेकर यहां तक का जो प्रतिरोध आर ए बी आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसका मतलब ये हुआ कि 1/RAB इज इक्वल टू 1/974 प्लस 1/972 प्लस 1/975 और प्लस 9/976 आए, मतलब 976 होगा। जब इसको एक बार हम सिद्धांतिक रूप से जोड़ कर देखते हैं और फिर इसके बाद इस समांतर प्रतिरोध के प्रतिरोध को नापेंगे, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को नापेंगे, यदि ये मान दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो कहेंगे कि समांतर क्रम में प्रतिरोध का नियम सत्यापित हुआ। चलिए कैलकुलेटर का प्रयोग हम करते हैं और कैलकुलेटर का प्रयोग करके जानते हैं। कैलकुलेटर में हम यहां पर देखेंगे कि 1/974 1/974 हमारा आता है 0. थोड़ा स्क्रीन टूटी हुई है इसकी, साफ दिख रही है, 0.00102 6694 प्लस, और फिर 1/972 का भाग देते हैं 1/972, अब आता है हमारे पास 0.00102 8806 प्लस। अब मैं 975 को डिवाइड करता हूँ 1/975, अब आता है 0.00102 5641। फिर इसके बाद हम जोड़ते हैं, अब करते हैं 976 को 1/976, अब आता है हमारे पास 0.00102 4592। अब इन सभी मानों को लेकर एक एक साथ जोड़ देते हैं तो 1/RAB का मान जो आएगा, जोड़ता हूं मैं सबको एक साथ, 0.00102 6694 प्लस 0.00102 8866। इन दोनों को जोड़ने पर इतना आया, फिर इसके साथ तीसरे को जोड़ते हैं 0.00102 5641 5641, इसके साथ जोड़ दिए ये मान आ गया। फिर इसके बाद अब इसके साथ मैं जोड़ता हूँ ये मान 0.00102 4592, तब हमारे पास आ जाता है मान आ जाता है 0.00410 5731 8 आ जाता है। कहीं मान में कोई गलती तो नहीं की है, 4 5 नहीं, ठीक है, देखता हूँ फिर से एक बार जोड़ता हूँ, रुको इसको। तो इस तरीके से 1/RAB बराबर आ जाता है 0.00410 5731 8। इसका मतलब 1/RAB की वैल्यू इतनी है, तो RAB की जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/0.00410 5731 8। दिखाओ कैलकुलेटर, तब हम इस कैलकुलेटर में यूज करते हैं 1/0.00410 5731 8, तब हमारा वैल्यू आता है RAB इज इक्वल टू 243.56193943331। इतनी वैल्यू आती है। और इसका मतलब यह हुआ कि इन प्रतिरोधों को यदि हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो इतनी वैल्यू आई, तो इन समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का मान जब हम मल्टीमीटर से मापेंगे तो इसका मान इसके लगभग बराबर आना चाहिए, तभी कहेंगे कि प्रतिरोध के नियम को हमने सत्यापित किया, अन्यथा यह प्रतिरोध के नियम को सत्यापित नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रतिरोध के नियम को सत्यापित करता है कि नहीं। मल्टीमीटर का चूंकि सेटिंग जो है हमने 2000 पे किया है, 2043, ठीक है, हमने सेटिंग सही किया है। अब मैं इसको मापता हूं, अब मल्टीमीटर में आप जो है देखिए इस प्रतिरोध को मापता हूं, कितनी वैल्यू आई, 243।
थ्री। इसका मतलब समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की जो वैल्यू आई हमारा प्रैक्टिकल के हिसाब से वो आई 243। चूंकि ये मल्टीमीटर पॉइंट वाला स्थान नहीं बताएगा 2000 की रीडिंग पर, इसलिए आगे का मान छूट जाएंगे। तो लगभग हमने सिद्ध किया कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान हमेशा कम आता है और इसके अनुरूप आता है। तो इस तरीके से आपने समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के नियम को सत्यापित किया। धन्यवाद।